नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धनु राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान शनिदेव की कृपा से और भगवान देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से आप सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, दोस्तों आपके जीवन काल में आपके जो भी लोग दुश्मन तत्व बने हुए हैं, दोस्तों जो लोग आपको सालों से परेशान करते आ रहे हैं, दोस्तों अब उन लोगों का अगले 24 घंटे के भीतर चिता जलने वाला है। क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने जीवन काल में पाप करने में और बुरे कर्म करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, जिस कारण से उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव महाराज उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें देने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, दोस्तों इंसान तो अपने जीवन में कर्म करने पर भले ही अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन दोस्तों फल भोगने में अपनी मनमानी कभी नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस कलयुग में जो इंसान जैसा कर्म करेगा, दोस्तों उस इंसान को वैसा फल एक न एक दिन जरूर प्राप्त होकर ही रहेंगे। दोस्तों भले ही देर से मिलेंगे, लेकिन दोस्तों मिलेंगे ज़रूर। और दोस्तों आपके भी दुश्मन ने जैसा कर्म किया था, दोस्तों अब उन लोगों को इन 24 घंटे के भीतर स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव उन्हें वैसा फल देने वाले हैं और उनके साथ अब इन 24 घंटे के भीतर जो होने वाला है, दोस्तों उन्हें देखकर आपको अपनी आँखों पर विश्वास और यकीन नहीं होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों जहां आपके दुश्मनों को सजा मिलने वाली हैं, जहां उनके साथ कुछ बुरा होने वाले हैं, दोस्तों वहीं आप लोगों को दो बड़ी खुशखबरी भगवान शनिदेव और भगवान भोले बाबा आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों जहां आपके दुश्मन रोने वाले हैं, दोस्तों वहीं आप लोग अब हंसने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन आपको बहुत सताए हैं, जिस कारण से उनके बुरे कर्म का फल उन्हें प्राप्त होंगे और आपने पिछले अंतराल में जो अच्छे कर्म किए थे, आपने जो मेहनत की थी, दोस्तों उस मेहनत का भी फल आप लोगों को इन 24 घंटे के अंदर प्राप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो का निर्माण ग्रहों के संपूर्ण विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी जातकों के लिए बनाई गई है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें। हम आपको सारी के सारे जानकारियाँ बताएंगे कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और भगवान भोले बाबा की कृपा से और भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों को कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, कौन कौन से बड़े खास बदलाव होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को या 24 घंटे तक क्या बड़ी सावधानियां भी रखने की आवश्यकताएं होंगी, कौन से आप लोगों को या समय कार्य करने से भी बचकर रहने की काफ़ी आवश्यकताएं होंगी, ताकि आपको अपने जीवन काल में किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही हम बात करेंगे इन 24 घंटे के समय अवधि तक आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, घर परिवार का माहौल कैसे रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाले हैं। दोस्तों हम आप लोगों को सारे के सारे जानकारियां पूरी सटीक और पूरी सच बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को अगर आप मिस कर देंगे तो आप ज़िंदगी भर यूं ही पछताते रह जाएंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले भोले बाबा के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से प्रेम से जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें, आपकी सारी के सारे मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो आए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस दिन की पंचांग। दोस्तों इस दिन सोमवार का दिन है और दोस्तों सोमवार का दिन भगवान भोले बाबा का पावन दिन रहने वाले हैं। दोस्तों चैत्र मास की कृष्ण पद की षष्ठी तिथि रात्रि 9:27 के उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी और दोस्तों अनुराधा नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर शिव जी की बात करें, दोस्तों हर्षण योग
शाम 5:10 के उपरांत वरज योग प्रारंभ हो जाएंगे। और राहु काल के समय की बात करें, अर्थात दिन का बेहद ही अशुभ समय की बात करें दोस्तों, सुबह 8:10 से लेकर के सुबह 9:39 तक रहेंगे। या समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ कार्य बिल्कुल प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में किसी प्रकार के संकट भी आ सकते हैं। और दोस्तों अगर अब बजे मुहूर्त समय की बात करें, अर्थात दिन का बेहद ही शुभ समय की बात करें दोस्तों, सुबह 9:39 से लेकर के सुबह 11:07 तक रहेंगे। या समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों सूर्य कुंभ राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों ऐसे में समस्त ग्रहों के चार आपके राशि पर कैसा असर देखने को मिलेंगे, आइए हम आपको सारी जानकारी पूरी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों समस्त ग्रहों की चाल से और भगवान भोले बाबा की कृपा से आने वाले दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। दोस्तों आज पूरे दिन आपका मन काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी खुश भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज आप लोगों को हर क्षेत्र से लाभ ही लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी अच्छे बेहतर भी रहेंगे। दोस्तों आज आप लोगों को उस क्षेत्र से धन लाभ की प्राप्ति होंगी दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपने पूर्व समय पहले ही निवेश किए हुए थे, जिस कारण से उन क्षेत्रों में आप लोगों को आज काफ़ी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती देखी जा सकती हैं। और दोस्तों इस राशि के महिलाओं के लिए आज का दिन कोई बड़ी गुड न्यूज लाने वाले हैं। दोस्तों उन लोगों को आज कहीं से अचानक से ऐसा धन लाभ प्राप्त होंगे, कहीं से कुछ ऐसा उन्हें अवसर आज मिलेंगे जिनसे आज वे लोग काफ़ी अच्छे खुश भी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों आज नया वाहन खरीदने के लिए भी दिन आपके बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से अगर आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते थे दोस्तों, आज आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही शुभ समय रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप नौकरी में हैं तो आज आपको इनकम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएँ भी बन रही हैं। लेकिन दोस्तों आज आपको उदास बिल्कुल भी ना होना है। दोस्तों अगर आज आप किसी भी क्षेत्र में विफल हो गए हैं, अगर आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में विफल होना भी कोई ख़राब वाली बात नहीं है दोस्तों, वह तो ज़िंदगी की एक खूबसूरती है। दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में कभी भी ना हारेंगे तो आप फिर ज़िंदगी का मज़ा आखिर कैसे ले पाएंगे, इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हारना भी एक अच्छी बात है। आप दोस्तों हमेशा जीतते रहेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी की कुछ अहमियत बातों का पता ही नहीं चलेंगे, इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में हारना भी एक अच्छी बात होती है। तो आज अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता नहीं मिलेंगी तो आज आपको उदास बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों, उसमें फिर से आपको मेहनत करना है और आपको फिर से उस सफलता को प्राप्त करना है। और दोस्तों इस राशि के जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन लोगों को आज कोई बड़ी सफलता मिलने वाली हैं जिनसे उन लोगों का मन आज काफ़ी खुश भी दिखाई दे सकते हैं। और आज आपका विदेश में जाकर कोई नौकरी का सपना भी पूरा होगा और साथ ही साथ आज आनंद के पल भी आपके काफ़ी अच्छे बिताएंगे। और इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर को आज किसी पुराने मकान को बेचने से काफ़ी अच्छे धन लाभ की प्राप्ति होंगी जिनसे उनका मन भी आज काफ़ी खुश होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में आज काफ़ी अच्छे सुधार भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आज आपको कानूनी मामलों से ज़रा दूर रहने की आवश्यकता होंगी दोस्तों, आज आप किसी भी बेफालतू के विवादों में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों को किसी न किसी प्रकार के कानूनी मामले में इसमें आप पड़ सकते हैं। तो आज आप लोगों को थोड़ी छोटी मोटी सावधानियां रखने की बहुत ही आवश्यकताएँ होंगी। और दोस्तों आज अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या को सुलझाने की हर संभव कोशिश भी आप करेंगे और इसमें आपका पूरा परिवार का सहयोग भी प्राप्त होंगे जिनसे आज आप उस समस्याओं से आज मुक्ति भी पा सकते हैं। और दोस्तों आज कारोबार के मामले में आप जल्दबाजी में कोई कार्य बिल्कुल भी ना करें और आज बड़े से बड़े फैसले फिलहाल टाल तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, वरना नुकसान भी आज आपको हो सकता है और बाद में आपको ये समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो आज आपको जल्दबाजी में कार्य करने से बचना होगा और आज आपको बड़े से बड़े फैसला भी लेने से बचना होगा। और दोस्तों इस राशि के छात्र आज पढ़ाई से मन को डिस्कनेक्ट न होने दें, आज आप लोग एकाग्रक मन से पढ़ाई करें तभी आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और आज आपकी सेहत अच्छी रहेंगी, आज आप खुद को
ऊर्जा से भरपूर महसूस भी करेंगी और आज माता के साथ आपके संबंध भी काफी अच्छे रहेंगे। और आज आप लोग को भी महत्वपूर्ण योजना भी बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है।